कोई बात ना, कह रहे मेरे पैसे लग रहे, इनके पैसों से तो बिल्कुल मिला के नहीं देता हूँ मैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू व्लॉग में। कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ फ्रेंड। अभी बारिश पड़ रही है और टाइम हो रहा है 8:30, 9 का टाइम हो गया है। आज अक्सर स्कूल नहीं गया क्योंकि उसकी तबीयत खराब है। क्यों नहीं गया? अच्छा, तबीयत खराब थी। वो सामने खड़ा है कि मामा करने वाले हैं इधर ही कैमरा में तरफ ही। तो फ्रेंड इसकी तबीयत खराब है और आप देख सकते हो फ्रेंड, बारिश का आनंद लेते हुए अभी हम लोग पकौड़े बनाने वाले हैं। आज 2-3 आइटम बनाएंगे बारिश के हिसाब से। पर क्या है ना कि चूल्हा हमारा अंदर नहीं रखा जा सकता, वो स्थाई चूल्हा है फ्रेंड, बस वहाँ पर रखा जाता है तो उसे अंदर नहीं रख सकते, तो बनाते हैं बारिश में। और इधर आप देख सकते हो अम्मा बर्तन मांज रही है। हेलो अम्मा। हेलो बच्चों, फटाफट बोलो आज सिलसिला कुछ नहीं। हेलो बच्चों, तुम भी ठीक हो? हाँ। मैं भी ठीक हूँ। ठीक है। हाँ। और बच्चों तुम्हें ये बात बता दो। हाँ। तुम अपनी खुशखबरी बताओ बेटी। क्या बस हो गया? हाँ। जज्बात बदल दिए फ्रेंड। आज अम्मा कितनी फास्ट बोली है, भले ही चाहे जो भी आ रहा है मुँह में वही बोली जा रही है अम्मा। तो अभी चटनी भी बनाते हैं और देखते हैं कुछ पकौड़ा वगैरह भी बनाना है। फ्रेंड सामान रेडी हो गया, बारिश भी बंद हो गई है और गांव बसाने भिखारी पहले आ गए। तो अरविंद आया पकोड़े खाने के लिए। ये हरे बैगन और प्याज की पकौड़ी बनेंगी। पकौड़े बनाएंगे की? हाँ। और क्या डालेंगे? बस कुछ मसाले वसाले डाल देंगे। नहीं मतलब खाली प्याज की और बैगन की? हाँ। क्या आलू की भी? अरे नहीं आलू की नहीं, इनकी खा कर देखना कितनी बढ़िया बनेंगी। तो फ्रेंड आज अरविंद भी आया हुआ है तो क्यों नहीं इसे बेचारे को ब्लैक कॉफ़ी और ये पकौड़ी उकौड़ी दे देते हैं, क्योंकि दूध तो है नहीं अपने पास। तो ब्लैक कॉफी, ब्लैक कॉफी पता है कितनी अच्छी होती है सेहत के लिए। तो फ्रेंड अभी एक कार्ड फिट लेते हैं और अपना सेटअप इधर लगाते हैं हम, क्योंकि ये अच्छा दिखता है ना इधर हरा हरा, अंदर तो इतनी जगह है नहीं। फ्रेंड ये चटनी के लिए हरी मिर्च, अदरक और लहसुन, और इसमें थोड़ा सा ये पुदीना डालेंगे। कितना हरा पुदीना हो गया ना, तो थोड़ा पुदीना भी डाल देते हैं। अब इसकी बनेगी चटनी। फ्रेंड इसमें तेल चढ़ चुका है, ये देखो गरम होने लग गया है, वैसे आग तो जल गई है। और ये प्याज और बैंगन भी कट गए हैं, ये कुछ ऐसे स्टाइल से काटी है मैंने। आज की पकौड़ी है स्पेशल वाली है फ्रेंड।
चाय कॉफी और ये पकौड़े तैयार हैं, पर मौसम खराब हो गया, थोड़ा सा धूप निकल आई है। कोई नहीं, खाने में मजा तो आएगा फिर भी। पीकर देख लेता हूँ कैसी बनी है। ठीक है, थोड़ी चीनी कम है, चलेगी। ओहो भाई, बहुत सॉफ्ट हो गए पकौड़े। खाते खाते में नीचे दीदी आई हैं, उनके कुर्ता बनाया मैंने, वो देने चला गया था। अभी आपको दिखाऊंगा मैं कुर्ता कैसा बनाया, और अभी अपनी सबको बांट देते हम। हैं तुम क्या, ये क्या कर दिया यार, कैमरा बंद कर ले हैं, पूरे खत्म कर दिया। अरे यार, भरी प्लेट तुमने पूरी खत्म कर दी, कम से कम थोड़ा तो छोड़ देते, इतनी सी ये छोड़ी होता, सारी खत्म कर दी। अरविंद कहता चुप चुप गुट गुट खा रहा था, बोल मिला रिया यार, मैं तो सिर्फ एक क्लिप लेके ऐसे खा के और नीचे चला गया उन्हें कुर्ता देने के। तुम्हारा काम बढ़िया, हमें क्या पता है क्या, अरविंद को ज्यादा स्वाद लग रहा है, बढ़िया लग रही है, बढ़िया बढ़िया करके। फ्रेंड पूरी प्लेट भरी हुई थी, देखो अंदर बैठे बैठे फैल रहे हैं। हेलो फ्रेंड, आप भी? हाँ आप भी। और ये तो टकला, मतलब बस फैलने में होश ही ना, इतनी सी बचाइए बच्चों के ताई भी रख दो। फ्रेंड ये ऐसे करते हैं, देखो कमाल की बात है, हम तो दिखाने दिखाने में रह गए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, ये वीडियो मैं अगले दिन से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा था कल जो मैंने पकोड़े बनाए थे इतनी मुश्किल से, इतनी धूप में, बाद में तो धूप ही हो गई थी फ्रेंड, पहले बारिश पड़ रही थी, बाद में धूप निकल आई, तो इन लोगों ने सारे खा लिए थे। अब भाई अरविंद ने खाए वो और अमन ने, तो इन लोगों को तो मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता, अगर उसमें वैसे दीपक भी था, पर मुझे जहाँ तक अरविंद ने बताया, वो उसने बताया कि दीपक ने स्टार्ट करा था खाना, तो फिर हम भी खाने लग गए, कि हमें लगा कि तूने बचा दिया है तो इसलिए चला गया नीचे, तो मूड ख़राब हो गया था फ्रेंड, इसलिए फिर मैंने कुछ करा नहीं जाता, वीडियो बनाया नहीं। फिर और भी कुछ काम थे जो थोड़े मुझे ख़त्म करने थे कल, अभी सारे काम ख़त्म हो गए फ्रेंड। और जो अभी नई यूट्यूब फैमिली जुड़ रही है, उन्हें अभी पता नहीं है कि मैं कहाँ से हूँ, कई कॉमेंट आ रहे हैं कि भैया हमें आपसे मिलने आना है तो अपना एड्रेस बताओ, तो फ्रेंड मैं आपको बता देता हूँ, मैं यूपी गजरौला से हूँ, यूपी गजरौला, और राम मंदिर के पास ही मेरा घर है, तो आप लोग आ सकते हो, हमेशा मैं घर पे रहता हूँ, कहीं जाता आता तो हो नहीं फ्रेंड। और अभी फ्रेंड सुबह के 8:30 का टाइम हो गया, गर्म आ रहा है, मतलब धूप तो नहीं है पर गर्मी बहुत है, और बारिश भी शायद होने वाली है, पता नहीं होगी कि नहीं होगी। और ये आप देख सकते हो फ्रेंड, बेलें ख़राब हो गई हैं, पर अम्मा इन्हें हटाने नहीं दे रही, समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं हटाने देती हैं इन्हें, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि इसे हटा के यहाँ पे कुछ अलग सा लगाऊँ, है ना, तो ये सब हटाना चाह रहा हूँ मैं फ्रेंड, पर अम्मा एक बार जिस चीज़ का पीछा पकड़ लेती है फिर तो उसका पीछा छोड़ती ही नहीं है। और आज फ्रेंड ये वाला ब्लॉग तो हम पूरा करेंगे, उसके बाद जो मैं न्यू ब्लॉग स्टार्ट करूँगा, झील पे से मिट्टी लाएंगे और गणपति बापा की एक मूर्ति बनाने की कोशिश करूँगा मैं, अगर बना सकता हूँ तो उनका एक सेप दूंगा उनकी, और उनको हम स्थापना करेंगे और फिर लास्ट में आके उन्हें हम विसर्जित करने जाएंगे। तो देखते हैं फ्रेंड कैसा अगला जो ब्लॉग आने वाला है, वो बहुत ही मस्त आने वाला है फ्रेंड, उसमें आपको कुछ नई चीज़ें दिखने को मिलेंगी। फ्रेंड ये दोनों कुर्ते सिल तो दिए हैं, अभी बस थोड़ी रेडी कर देता हूँ उन्हें प्रेस वेस करके, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा फ्रेंड ये कैसे बने हैं, जब दीदी आ जाएगी तो उन्हें पहना के भी दिखाएंगे। फ्रेंड मेरा काम तो रेडी हो गया, बस लाइट की आने की देरी है, जैसी लाइट आ जाएगी प्रेस करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ फाइनल लुक इसका। और मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ फ्रेंड, अम्मा की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, देखो इतने से पेड़ पे कितने बैगन लग रहे हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और फ्रेंड 7 और 2, देखो ये लग रहा है, ये इतना सा पेड़ है फ्रेंड, और देखो बैगन कितने लटके हुए हैं इसके ऊपर, इसमें कोई खाद पानी कुछ नहीं है, सिंपल मिट्टी है जो कि शायद मेरे गए से 6-7 महीने हो गए होंगे। और ये अम्मा कोई तुलसी बता रही थी, भाई ये कौन सी तुलसी है मुझे ये पता ही नहीं चल रहा, पर है तो तुलसी फ्रेंड, छोटे छोटे फूल आ रहे हैं, क्या है
हाँ पैंट प्रेस हो गई है और चंचल दीदी ने पहन भी लिया है। ये देखो चुन्नी है, ना कुछ ऐसे कोई बात ना, ठीक है। इस पे पैंट पैंट लेनी पड़ेगी ना, और ये थोड़ा बाजू में भी डिजाइन बनाया था फ्रेंड मैंने, ठीक है। तो कहीं पहन के जा सकती है। हाँ और क्या ना, क्यों पहन के क्यों नहीं जा सकती हो, ऊंचा क्यों होता, अच्छा कहा था, ठीक है। फ्रेंड दूसरा ये है, ये मात्र 80-80 रुपए के टॉप है इनके, क्योंकि 40 रुपए मीटर का कपड़ा है ये, और ये प्लेट वाला कुछ ऐसा ना है, नायरा कट टाइप का है। और तो इस पर यूआन से लिया, काला से लिया का, नहीं गोल्डन। तो अच्छा तुमने तो मैचिंग भी मिला लिया भाई, बढ़िया ये तो, गोल्डन अच्छा चल रहा है इसके ऊपर। हाँ अब तुम समझदार हो गई हो। ये फ्रेंड मैंने प्रिंसेस का कोट बनाई थी इसकी, पर ये लूज लूज सही रहते हैं, ज्यादा टाइट टाइट अच्छे नहीं लगते हैं। चुन्नी भी तो ले आओ इसकी, चुन्नी भी तो थी, वो ले लो, पुरानी वाली ले लो। अभी इन्होंने पूरा कॉम्बिनेशन मैच कर लिया अपना भाई, अब दावत में भी जा सकती हो आराम से, कहीं भी जा सकती हो। चलो ठीक है, चलो आज ब्लॉग तुम लास्ट करो। हेलो भाई, हाँ बोलो बोलो जल्दी। वीडियो से ज्यादा लाइक शेयर के बोला है। हाँ हाँ बोलो। चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, 1,00,000 मिलियन वो दे देना। मिलते दूसरे लोग, तब तक के लिए बाय बाय। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते भी दूसरे लोग।